हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेंगोली ब्राइड शेयर करने वाली हूँ गाइस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फेस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इनका आज रिसेप्शन लुक होने वाला है। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लम का जो टोनर आता है, हम फेस को क्लीन करने के बाद इस तरह से स्प्रे करेंगे। इसके बाद हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे जो बायोटिक का है। मैं साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी दिखाते जाऊंगी गाइस। और बहुत ही फास्ट में यहाँ पे काम भी हो रहा था और रिकॉर्डिंग भी, मतलब थोड़ा टफ होता है प्रॉपर वीडियो करने में, बट फिर भी यहाँ मैंने कोशिश किया है। और इसके बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे जो कलर बार का है। गाइस प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि ये रियल क्लाइंट है, वही हम आपको दिखा रहे हैं जैसे हम काम करते हैं। हमारे पास कोई लाइट, रिंग लाइट, एडिटिंग ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सूट करते हैं वैसा ही क्लिक करके फिर आपको दिखाते हैं। ये है हमारे पास रिकोट का पैलेट कंसील। मैम का फेस तो बहुत ही अच्छा था, नॉर्मल टू ड्राई था इनका फेस। फेस पे जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो जस्ट हल्के हल्के ही हम कंसील करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, पे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे कंसीलर का। और एक बात का ध्यान रखना गाइस, फेस आपको हमेशा चेक करना है, क्योंकि होते ना बहुत हेवी मेकअप कोई भी पसंद नहीं करता है। मैम को भी एकदम लाइट ही चाहिए था, बोली थी कि मुझे लाइट मेकअप ही चाहिए। तो हल्का हल्का हम जहाँ जहाँ पे भी छोटे मोटे पिंपल्स हो, कुछ हो, तो हम अच्छे से कंसील करके और ब्लेंड कर लेंगे। पर कितना भी हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें गाइस, हाथ का जो एक ना कमाली ब्लेंडिंग होता है, मतलब रिजल्ट ही अच्छा आता है उसका। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ रिकॉर्ड का। दो शेड मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी, 02 एंड 04। इसको मिक्स करने के बाद एक इनका जो शेड है ना, वो प्रॉपर बन के आता है। तो यहाँ पे दोनों शेड को लेना है और यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और गाइस हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और कुछ गलती हो या ऐसा हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे क्या करना सही है नहीं है। तो जैसे हम लोग मेकअप करते हैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम आधे फेस पे अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग करेंगे, क्योंकि ना गाइस क्या होता है, अगर हम पूरे फेस पे अप्लाई करके और ब्लेंड करने में लेट होता है तो वहाँ पे ना वो क्रैक हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, क्रैक हो जाता है। तो इसलिए पहले हम आधे फेस पे अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे फेस पे जाएंगे और उसको भी अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। आपको ब्लेंडिंग बहुत ही हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे वीडियो बहुत फास्ट कर रखा है मैंने, बट इतना स्पीड ब्लेंडिंग नहीं होगा गाइस, बहुत ही हल्के हाथ से ही होगा। मैं कोशिश करूँगी आपके साथ और भी अच्छा प्रॉपर वीडियो बनाने का। और हमें गले पे भी देना है गाइस, क्योंकि आपको भी पता है कि फेस और फिर नेक अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट लगता है। तो आपको अच्छे से नेक पे भी अप्लाई करके यहाँ पे इसे भी ब्लेंड कर लेना है हमें। और सॉरी गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है बट फिर भी इतना लंबा हो गया। बट क्या ही कर सकते, आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाना था। तो इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्ट्रोल करेंगे, और मैंने यहाँ पे क्रीम कॉन्ट्रोल ही किया है। क्रीम कॉन्ट्रोल पहले हम क्रीम का काम करेंगे, इसके बाद हम पाउडर में जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिप एंड चिक टिंट जो आता है हमारा, उसका हमने जो ब्लश एज अ ब्लश यूज़ करी हूँ, और इसको फेस पे, चिन पे, नोज़ पे हल्का सा अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। इसके बाद हम पाउडर से लॉक कर देंगे। जितना कुछ भी अभी तक हमने बेस को रेडी किया है, हम अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टोर का एक बार और फिर से पाउडर से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पहले क्रीम का काम किया था। इसके बाद अब हम जब भी पाउडर लॉक हो जाता है गाइस, तो उसके ऊपर क्रीम का कोई भी काम हम नहीं करेंगे।
अब पाउडर से अगर लॉक कर देने के बाद हम पाउडर का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंटूरिंग, इसके बाद पाउडर एज अ ब्लश यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लश कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही हल्के हल्के मेकअप हमने रखा है। इसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, जो होजो का हाइलाइटर है। हाइलाइटर को भी हम गले के पास देंगे गाइस, क्योंकि फेस और मेक अलग नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फॉरएवर 52 का हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उसे अच्छे से एक बार और टचअप करेंगे। इसके बाद हम आईब्रो बनाएंगे। आईब्रो डिज़ाइन आपको बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि पूरा लुक ना हमारे आईब्रो से और आई मेकअप से आता है। बट आईब्रो जो होता है मेन काम करता है, तो वो प्रॉपर करने के बाद हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सिल्स का आई शेडो पैलेट। हमने लाइट येलो पहले लिया है और उसे हमने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड किया है। इसके बाद हम थोड़ा सा डार्केस्ट पिंक लेंगे और उसे भी उसके साथ मिलाते हुए हमें इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। इसके बाद एक शेड और डार्क लेंगे हम और इस तरह से हम ब्लेंड करने के बाद कट क्रीज करेंगे और उसके ऊपर हम येलो कलर का जो आई शेड होता है वो फिल करेंगे और उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे सिल्स का जो ग्लिटर आता है, मैं दिखा रही हूँ ये वाला सिल्स का ग्लिटर, इसके ऊपर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे डन हो गया हमारा आई मेकअप। अब आईलाइनर लगा रही हूँ और आईलाइनर मैम को चाहिए था थोड़ा सा विंग, तो यहाँ पे हम विंग क्रिएट करेंगे इस तरह से लाइक। अब इसके बाद हम आईलैश लगाएंगे। बहुत ही स्पीड कर रखा है गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में आपके साथ प्रॉपर शेयर करने का, बस आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे डन हो गया आई मेकअप। इसके बाद हम बिंदी लगाएंगे, क्योंकि हमें कोल का करना है। बंगाली में सबसे मेन होता है हमारा कोल का। तो यहाँ पे लिपस्टिक का शेड जो है वो पिंक शेड है, मैम के साड़ी के अकॉर्डिंग ही हमने चूज़ किया है ये। और लिपस्टिक अप्लाई होने के बाद हम कोल का अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोल का स्टार्ट हो गया है सिंपल, क्योंकि रिसेप्शन लुक है तो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं कॉल कर रही है, सिंपल ही कॉल कर रखना है। इसके बाद ये फाइनल लुक गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, आई होप कि अच्छा हो। तो मैम को अभी बहुत लेट हो रहा था, जो प्रॉपर वीडियो तो नहीं शूट कर पाए कि और अच्छे से दिखाते। तो ये हमारा रियल क्लाइंट के ऊपर ही काम हुआ है गाइस, जो मैं आपके साथ शेयर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।